परिवार में जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक परिवार ने लगभग 40 लोगों के साथ मिलकर दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और घर में आग लगा दी। पूरे परिवार के एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। सिंगरौली जिले के सराय थाना अंतर्गत गोरा गांव में जमीन को लेकर बड़ा विवाद हो गया। जमीन विवाद को लेकर दो तिवारी परिवारों में धारदार हथियार व लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इतना ही नहीं, एक परिवार के करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो उपचार के लिए सराय के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किए गए हैं, जहाँ से गंभीर हालत होने पर मरीजों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। जिले में इसके पूर्व भी इस तरीके से कई जमीनी विवाद को लेकर घटनाएं होती रहती हैं। इसके पहले भी झगड़ा हुआ था और इस पूरे मामले में दोनों परिवारों के बीच एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया था और पूरी जानकारी डायल 100 के माध्यम से सराय थाने को दी गई थी, जहां घटना स्थल पर पहुंचकर सराय पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें समझाइश देकर घर भेज दिया था। लेकिन तड़के सुबह सभी आरोपियों ने अरविंद तिवारी, उमेश तिवारी, अरुण तिवारी, सुनील करीब 40 लोगों के साथ मिलकर छोटेलाल तिवारी के घर पहुंचे और परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद दरवाजे बंद कर आग भी लगा दी गई। लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने मदद की, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पत्रकारों ने एडिशनल SP प्रदीप शिंदे से इस मामले में बात की, तो उन्होंने तुरंत ही सराय थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी को फोन लगाकर सख्त हिदायत दी और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। इस पूरे मामले में घायल के नातिन का कहना है कि करीब 40 की संख्या में मारपीट करने के लिए जो लोग आए थे, उनमें से करीब 20 से 25 लोग उत्तर प्रदेश से मंगाए गए थे। अब भी उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि यहां से घर खाली करके भाग जाओ, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। पूरे 40 लोग थे, जमीनी विवाद है इसी को लेके। मेरे बड़े बाबा के 5 लड़के थे, उनके 2-3 नाती और बाहर से आदमी, यूपी से आदमी बुलाए गए थे। 3-4 उनके साले थे, राकेश तिवारी का गुंडा बुलाए गए थे वो लोग। बाकी जितने जमीनी विवाद वाले हैं सब लोग थे, कम से कम 40 लोग घर के आसपास के सब पूरे लोग मिलके और घर के सब लोग मिलके मारे हैं। पूरे परिवार को तहस नहस कर डाला, हमारे पास कुछ नहीं बचा। जमीन जगह हर चीज छीन लिया, केवल घर बचा है। घर से निकलने को कहते हैं, कहाँ जाएंगे घर से निकल के। हम कई बार दिया लेकिन कोई इंसाफ नाम का चीज़ ही नहीं है। पुलिस वालों को पैसा चाहिए, कहाँ पाएंगे गरीब आदमी। मेरे पिताजी एक संत भीख मांग के मंदिर की पूजा करें या बच्चों को पालें या पुलिस को दें, लेकिन हमारा इंसाफ कौन करेगा, कौन सुनने वाला है हमारा। रहना बहादुर सिंह पूला से, का कहना 3-4 थे उत्तर प्रदेश खमहरिया के यहाँ जौन बात हीरा लाल ने का लड़का रख एक का करे ना हमारे कारी देवक शुरू करे ना हम सोतर लड़के वार दे के सोहर तो राम नारायण सुनील उमेश अच्छा कहना है 3-6 राकेश का सार आल है राकेश ये सब दुआरी पर हमारे पहुँच जाएगा काल दे है रहना शाम की। हाँ हाँ हा? आकर एक दाती हमार शारदा रही हाँ तो उन्हें किया थाने से 26,000 रुपया तो फोन कर रहा ना हमारे नाती शंकराचार्य BA पढ़ा था कि 26,000 बाबा जाने बाप जाने तू रुपया लिया इनके दे दे नहीं तो तुम्हें बेट देब भविष्य बर्बाद कर देब कि हम घर में ले उठे नहीं पैली लाठी से एकाएक लाठी से मतलब आग ही लगाए हाँ पुलिस वाले भी ताए हाँ ऐसा हाँ हमारे घर एक अंदर घर में ही लगाए हाँ चोट आई है और नातिन के वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं। हालांकि क्योंकि वो पूरे पहले भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारे यहाँ से तो उससे तो आराम है और चोट तो गहरी है हालांकि। और इसमें से एक ये छोटे लाल तिवारी जी हैं जो शायद आप जिनकी बात कर रहे हैं जी ना, और एक सुनील तिवारी करके हैं जी। इनके दोनों हाथ के अंगूठे में ज़्यादा दर्द है
दर्द दर्द की तकलीफ ज़्यादा है जी। ये हो सकता है ये लेसरेटेड या शार्प कट इंजरी है जी, और फ्रैक्चर भी है, ओपन टाइप का फ्रैक्चर है। ये सरई के गोरा ग्राम की घटना है, दोनों ही एक ही परिवार के लोग हैं, अपने यारमल के मोहल्ले में घर पास पास में है, और जमीन के विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इसमें दोनों पक्षों की कंप्लेंट है, दोनों पक्षों के विरुद्ध हमने मामला पंजीबद्ध किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी कंटिन्यू कर रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।